যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। कितना अच्छा लगता है ये गाना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ गाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो चलिए आज बताते हैं इस गाने का पूरा मीनिंग हिंदी में। तो फिलहाल तो अभी हम निकलते हैं, लौट के आते हैं, फिर इस गाने का पूरा मीनिंग आज हम बताएंगे आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोली स्टडी कॉर्नर। बंधुरा स्वागत जाना है अपने कोली स्टडी कॉर्नर। और यस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग समझेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का, श्री रविंद्रनाथ ठाकुरेर लेखा एकला चलो रे, इस गाने का हिंदी अनुवाद। क्योंकि गाना सुनने में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा गाना है, तो आज जान लेते हैं एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कॉल्ड स्टडी कॉर्नर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। यस, मेरे हाथ में मोबाइल है क्योंकि जिसमें मैंने पूरा गाना स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, नेट से भी उसका मीनिंग बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो स्टैंजा है उसको अभी हम नहीं गाते, एक बार गा के आप लोग को ऑलरेडी बोर कर एक बार गा के मैं ऑलरेडी आप लोग को बोर कर चुकी हूँ। तो पहला जो है मुखड़ा और अंतरा जो है उसका मीनिंग ये है, अगर किसी अच्छे काम के लिए निकले हैं तो अक्सर ये होता है जब कोई काम हम लोग शुरुआत करते, कोई भी अच्छा काम शुरू किया जाता है तो कोई आप लोग का साथ नहीं देता है, कोई हम लोग का साथ नहीं देता है। तो इस गाने में यही बोला गया है, स्पेशली पहले वाले मुखरे और अंतरे में, कि यदि किसी काम के लिए आप निकले हो और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो घबराइए मत, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। केहू कथा ना कहे ओरे ओरे ओ अभागा, केहू कथा ना कहे यदि सबाई थाके मुख फिराए, सबाई करे भय तबे प्राण खुले, তুই মুখ ফুটোই তোর মনের কথা একলা বলো রে। ইসকা মতলব হ্যাঁ, আগর আপকে বাত শুননে ওয়ালা কই না হো তব কই বাত নেই, আপ বিনা কিসি পে ধ্যান দিয়ে আপনি দিল কি বাতে আপ খুদ সে কহিয়ে, কিসি কো সুনানে কি জরুরত নেই, আপ আপনি দিল কি বাত খুদ সে কহিয়ে অর আপনে রাস্তে মে আগে বড়তে রহিয়ে। আব আতে হাম নেক্সট অন্তরা পে কিয়া লিখা হ্যায়, যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা, সবাই ফিরে যা যদি গহন পথে যাবার কালে, কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাটা, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अब इस अंतरे का मतलब ये है कि अगर कुछ लोग आपका साथ देते भी हैं और कुछ दूर चलने के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, रास्ता चाहे जितना भी गहरा रास्ता हो, अंधेरा रास्ता हो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पूरा रास्ता कांटों से बिछा हुआ है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैर में चले चाहे सारे कांटे बिछ के आपका पैर लहूलुहान हो जाए तो भी घबराइए मत, आप सही रास्ते पे है, आप बिना किसी के परवाह किए अकेले ही आगे बढ़ते रहिए। अब आते हम लोग लास्ट अंतरे पे, जो दी आलो ना धरे ओरे ओरे ओ अभागा, आलो ना धरे जो दी झड़ बदले आधा राते, दुआर दे गोरे वज्र नले आपन बुकेर पाजर जालिए निए एकला जलो रे, তবে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আর ইস অন্তরে কা মতলব ইয়ে হ্যায়, আধি তুফান কে কারণ হাম এক দিয়া তক ঘর মে নহীঁ জ্বলা পা রে, রোশনি কে লিয়ে এক দিয়া ভি নহীঁ জ্বলা পা রে হ্যায়, ক্যোঁকি আধি তুফান কি ওজহ সে সারে দরওয়াজে খুল জা রহে হ্যায়। তো ক্যা করনা হ্যায়, আপ আপনে সিনে কি জো হড্ডি হ্যায়, इसको लिटरली मत लीजिएगा, कहने का मतलब है
आप अपने दिल के अंदर रोशनी कीजिए और उसी रोशनी में और उसी रोशनी को से देखते हुए आप आगे की ओर बढ़ जाइए। एकदम घबराना नहीं है, कोई आपका साथ दे ना दे, अगर आप सही हैं, अच्छे रास्ते में हैं, तो आप अकेले ही बढ़ते जाइए। तो ये था इस गाने का हिंदी अनुवाद। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सही ट्रांसलेशन किया हुआ है। ये गाना बहुत बड़े कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का लिखा हुआ है, तो अगर बाय चांस मेरी से कहीं कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसको सही अनुवाद करने की। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कुछ और गाने का मीनिंग आप लोगों को देखना है तो। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आई है शिवल्ली गाने का बंगला में करके बताने को। अगर आज इस वीडियो में हमको कमेंट और मिल जाते तो मैं उसको बंगला में अनुवाद करके जरूर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इस उम्मीद के साथ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आज जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।